हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टाइल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्रीम के बारे में बात करेंगे जो कि डॉक्टर इस क्रीम को सजेस्ट करते हैं फेयरनेस के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए। तो इसका प्राइस रेंज बहुत ही कम है, इसको आप लॉन्ग टर्म तक भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लोरोजन क्रीम के बारे में। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है एलेंटोइन। तो इसके प्राइस की बात करेंगे तो ये 90 रुपीज़ में आता है, ये 50 ग्राम के क्वांटिटी में आते हैं। आपको 3 से 4 महीना आराम से चल जाएगा। इसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पिगमेंटेशन के लिए, मेलाज्मा के लिए और डार्क स्पॉट के लिए। ये आपका एक्ने पिंपल्स को भी ठीक करेगा। इसको आप लॉन्ग टर्म तक भी यूज कर सकते हो। इसको एक नाइट क्रीम की तरह आप यूज करें, आपके स्किन में रिंकल्स नहीं पड़ेगा, फाइन लाइंस नहीं पड़ेगा। आप कितने दिन तक भी इसको यूज कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन पे। टेस्ट करते हैं, ये आपको फेयरनेस देगा। इसको रेगुलर यूज़ करें, आपका स्किन टोन को भी फेयर करेगा, ब्राइट करेगा। और एक बात है, इसमें एलेंटोइन है। तो एलेंटोइन का काम होता है फाइन लाइंस रिंकल्स को रिड्यूस करना, एक्नी पिंपल्स को भी ये ठीक करेगा। इसका जो डार्क स्पॉट रह जाता है, पैच रह जाता है, डार्क पैच, उसको भी ये धीरे धीरे कम करेगा। आपके स्किन में ये जान ला देगा। इसमें एडवांस फार्मूला का यूज़ हुआ है, तो आपके स्किन को ये किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँचाएगा। और इसमें हाइड्रोक्विनोन जैसे किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल का भी यूज नहीं हुआ है। तो आप बेझिझक हो कि इसका यूज़ करें, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में, कहीं में भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा इसका पैकेजिंग है, काफ़ी स्टडी पैकेजिंग है। इसको आप नाइट में ही यूज़ करें, आप चाहे तो दिन में भी इसको यूज़ कर सकते हो, पर नाइट में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसको हाथ पैर कहीं पे भी, पूरे बॉडी पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके स्किन में जो डलनेस, टैन, उसको भी ये रिमूव करेगा। तो दोस्तों, इसका जो भी रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है। इसको आप यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू।